हाय दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ फिटनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनवांटेड किट का रिव्यू। अनवांटेड किट के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं और आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और देखने के बाद आप इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम जानते हैं अनवांटेड किट टेबलेट के बारे में, ये किस में काम आता है और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे अनवांटेड किट के बारे में। तो दोस्तों ये अनवांटेड किट मैग्नेट मैनकाइंड कंपनी का आता है। ये वन किट, इसमें पाँच वन किट, एक बॉक्स में ये पाँच टेबलेट होता है। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पा सकेंगे। तो दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं अनवांटेड किट टेबलेट के बारे में। अनवांटेड किट का कंपोजिशन है किट ऑफ मेफिप्रिस्टोन और माइसोप्रोस्टोल, ये दोनों 200 mg का आता है, 200 mg का आता है। वन टेबलेट है माइसोप्रोस्टोन और 200 mg का है माइसोप्रोस्टोल 200 mg, ये पांच टेबलेट का आता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि शादी से पहले अगर प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है तो या तो बच्चों को कंटिन्यू करें या तो अबॉर्शन करें, ये कंडीशन आ जाती है। तो इससे पहले सबसे पहले आप को क्या करना है कि आपको प्रेगनेंसी किट को लेना है और प्रेगनेंसी किट को आप 3 बूंद यूरिन लेना है। यूरिन को आप उसमें चेक करके आप अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव है तो आप अनवांटेड किट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अनवांटेड किट 2 माह के लिए होता है, 63 दिन के लिए, और इसका रिज़ल्ट अगर आप चेकअप यूरिन चेकअप करने के बाद अगर इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव है तो ही इसमें अनवांटेड किट को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे शादी से पहले या शादी से बाद प्रेगनेंसी हो जाना, या तो आप बच्चे को कंटिन्यू करिए या तो अबॉर्शन करवाइए, दो में से एक ही हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यूरिन टेस्ट लेना है। यूरिन टेस्ट लेने के बाद आप चेक करिए, चेक करने के बाद अगर रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव आता है तो आप अनवांटेड किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो आपके शरीर में ब्लड की कमी या कमजोरी के वजह से आपका पीरियड्स नहीं आता है। तो अगर ये रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव है तो आप अनवांटेड किट को यूज़ कर सकते हैं। ये अनवांटेड किट 63 दिन के लिए में 63 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका पीरियड 63 दिन के अंदर आपका पीरियड रुका हुआ है तो अनवांटेड किट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल इसको किस तरीके से करते हैं, किया जाता है, हम आपको बता दे रहे हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ये आपके सामने 5 टेबलेट है, 5 टेबलेट का किट आता है। ये 5ों टेबलेट आपको यूज़ करना है, एक भी टेबलेट आपको मिस नहीं करना है। अगर आप एक भी टेबलेट मिस करते हैं तो आपके पीरियड्स में, ब्लडिंग में आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है, ब्लडिंग आपको ज़्यादा हो सकता है। तो आप इस 5ों टेबलेट का आप इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसको हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो बड़ी टेबलेट है माइफेस्ट्रोन 200 mg, इसको आप रात में सोने से पहले 1 टेबलेट लेना है और 24 घंटे के बाद 2 गोली आपको लेना है सुबह, और 2 गोली आपको यूरिन मीन्स बच्चेदानी में आपको रखना है अंदर। ये जो 2 टेबलेट लास्ट में है इसको योनि में यूज़ करना है, योनि में रखना है इसको, दोनों टेबलेट साथ में। और अभी आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप जो 1 टेबलेट सुबह सोते वक्त लेते हैं तो किसी को भी पीरियड 1 ही टेबलेट से आ जाता है, मगर आप ध्यान दीजिएगा कि ये टेबलेट आपको 5ों टेबलेट यूज़ करना है। 1 टेबलेट आप सोने से पहले 1 गोली लेना है, फिर 24 घंटे के बाद 2 गोली लेना है और 2 गोली आपको योनि में रखना है, यूज़ करना है योनि में। तो इसमें जो ब्लडिंग होता है इसमें 3 से 6 दिन तक ब्लडिंग रहता है,
और ज़्यादा तक ब्लडिंग नहीं होता है। ब्लडिंग होने के बाद आप क्लियर हो जाता है, तो आप लास्ट में अल्ट्रासाउंड एक बार चेकअप कर लीजिए कि ताकि जो इन्फेक्शन है ब्लड का वो साफ़ हो गया है कि नहीं। इससे आपको नेक्स्ट बच्चे के लिए ईजी रहता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसमें 3 से 6 दिन तक ब्लडिंग होता है। अगर आप किसी को ये इसके साथ ये भी होता है कि अगर एक टेबलेट खा ली, एक टेबलेट अगर मिस कर लिए तो आपको 15 से 20 दिन तक ब्लडिंग होने लगता है, महीनों भी ब्लडिंग होने लगता है। तो आप इस बात को ज़्यादातर ध्यान दीजिए कि आप 5 टेबलेट आपको लेना है। अनवांटेड किट मार्केट में आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे अनवांटेड किट के नाम से आप ले सकते हैं। और लेने से पहले आप एक्सपायरी डेट को देख के तभी लें, और यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। करने के बाद आप अनवांटेड किट का इस्तेमाल करिए। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आप पहले यूरिन टेस्ट, प्रेगान्यूज़ बहुत से कंपनी बनाती है यूरिन टेस्ट करने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो ही आप अनवांटेड किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आपको निगेटिव आता है तो आपको कमजोरी, ब्लड की कमी के वजह से पीरियड नहीं आते हैं, तो आप खान पान में ध्यान देंगे तो आपका पीरियड आ जाएगा, या तो आप अल्ट्रासाउंड करवा के आप कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको हमारे न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले पा सकेंगे। दोस्तों, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।